जो यूपी के लिए खतरा बनेगा उसका राम नाम सत्य होगा। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी चुनाव की लाइन क्लियर कर दी। आज ही मुख्तार अंसारी की बेगम आफशा के सरेंडर की भूमिका बनने लगे। आफशा अंसारी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, 74,000 का इनाम है। जेल जाने से उनको डर भी लगने लगा है, डर समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक को भी लग रहा है। यूपी में जितना माफिया डरेंगे उतना बीजेपी को वोट पड़ेंगे। मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, के न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए, और नहीं तो समर्पण करिए। कह दिया। अफशा अंसारी कौन है? अफशा अंसारी कहां है? अफशा अंसारी क्यों पुलिस से भाग रही? आखिरी बार कब दिखी थी? और अफजाल अंसारी उन्हें क्यों सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं? मुख्तार बीमार था तब भी अफशा जेल में उससे मिलने नहीं गए। मुख्तार की मौत तब भी जनाजे में अफशा शामिल नहीं। मुख्तार को मिट्टी दी गई तब भी अफशा मुख्तार का चेहरा आखिरी बार देखने कब्रिस्तान नहीं पहुंची। लेकिन क्या अब अफशा सरेंडर करने वाली? क्या मुख्तार की मौत के बाद सामने आने वाली है? क्या अफजाल अंसारी अपनी भाभी के सरेंडर की नींव तैयार कर रहे हैं? अफशा अंसारी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। अफशा को पुलिस भगोड़ा घोषित कर चुकी है। उस पर 75,000 रुपए का इनाम है। संगीन अपराधों की फेहरिस्त को देखते हुए अफशा पर गैंगस्टर एक्ट लग चुका है। पुलिस दिन रात उसकी तलाश कर रही है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं? देखो, हम राम को ही लाते नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। पूर्वांचल में लेडी डॉन के नाम से मशहूर अफशा अंसारी 2005 से ही मुख्तार के गैंग को चला रही है। अफशा अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, जालसाजी, चोरी, अवैध कब्जा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। साल 2020 में ईडी मुख्तार के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसियों को मुख्तार और पत्नी अफशा अंसारी के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के कई सबूत मिले थे। मई 2020 में ईडी मुख्तार और अफशा के खिलाफ केस दर्ज की। भाई अफजाल अंसारी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन अफशा ईडी के सामने पेश नहीं हुई और तभी से फरार है। ईडी की तरफ से लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। मुख्तार अपने पीछे करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ गया है, जिसमें गोल्ड, रियल एस्टेट तक सब कुछ शामिल है। और मुख्तार के 2017 के चुनावी हलफनामे की माने तो मुख्तार से ज्यादा अमीर उसकी पत्नी अफशा अंसारी है। लेकिन मुख्तार की मौत के बाद अब अंसारी परिवार कानून के सामने घुटना टेकते दिख रहा है। मेरी सलाह है उनको, उनके वकील को, के न्यायालय में आप न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई रास्ता है तो उसको अपनाइए, और नहीं तो समर्पण करिए। कह दिया। मुख्तार पर 60 केस थे, अफशा अंसारी पर 9 केस है, तो बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर 7, छोटे बेटे उमर पर भी 3 केस दर्ज है और बहू निकट पर भी 1 केस दर्ज है। मुख्तार की मौत हो चुकी है, अफशा अंसारी फरार है, उमर और निकट जमानत पर है और अब्बास अंसारी जेल में बंद है। अब्बास अंसारी यूपी के कासगंज जेल में बंद है। मुख्तार के जनाजे में शामिल तक नहीं हो पाया, लेकिन उसने 10 अप्रैल को होने वाले फतिहा में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। अब मुख्तार का पूरा परिवार अब्बास अंसारी को जेल से बाहर निकालने में जुटा है। अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा चुके हैं, मुख्तार की मौत का हवाला कोर्ट में दे चुके हैं। 10 अप्रैल को फतिया और सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को सुनवाई।
लेकिन हम रेगुलर बेल कराने की कोशिश करेंगे। है क्या मुकदमा मुख्तार पे, है क्या? आप देखते रहिए, हम अभी बहुत कुछ कहना नहीं चाहते। बहुत जल्द अब्बास बाहर होगा, बहुत जल्द अब्बास बाहर होगा। अब्बास के खिलाफ कोई सीरियस मुकदमा नहीं है, मात्र 3 मामले हैं। अब्बास को जेल से बाहर निकालने के लिए अंसारी परिवार क्यों इतना तड़प रहा है, इसकी गवाही बाहुबली सपा विधायक इरफान सोलंकी की तड़प दे रही है। इरफान क्या कहोगे? जानवर, 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 ऐसा क्यों? जानवर, ऐसा, जानवर, जानवर, ऐसा क्यों कह रहे? ये कानपुर के सीसा मऊ से समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक इरफान सोलंकी फिलहाल यूपी के महाराजगंज जेल में बंद है और पेशी के लिए कानपुर लाए गए थे, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने इन्हें घेरा, इनके अंदर पुलिस प्रशासन को लेकर बैठा डर बाहर आ गया और खुद के साथ जानवरों की तरह वर्ताव होने का आरोप लगाने लगे। एक, दो, तीन, जानवर, चार, जानवर, 5 बार खुद जानवर बोलकर अपने पंटरों को संदेश दे गए कि बाबा के राज में गुनाह करने पर माफी नहीं मिलती बल्कि सजा मिलती। अभी अभी जान लीजिए कि इरफान सोलंकी को 400 किलोमीटर दूर कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में क्यों पेश किया गया था। पूरा मामला नवंबर 2022 का है। इरफान सोलंकी पर आरोप है कि प्लॉट कब्जाने के लिए उन्होंने घर को फूंक दिया। यह घर मुस्लिम महिला नजीर फातिमा का था। 18 जनवरी 2023 को पुलिस चार्जशीट दाखिल की और अब सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसले का इंतजार है, लेकिन बीते 4 बार से सुनवाई टल रही है। इरफान सोलंकी को पुलिस महाराजगंज जेल से कानपुर लेकर तो आती है, फिर वापस बिना फैसला सुने ही इरफान सोलंकी को लेकर चली जाती है। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से इरफान सोलंकी डरे हुए हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल है, उन्हें हार्ट अटैक आने और एनकाउंटर होने का डर सता रहा है। जाके पुलिस कमिश्नर साहब से कि हम न्यायपालिका की उसमें आए हैं, पेशी में, या पुलिस की पेशी में आए, पूछना जरूर और चलाना। क्या मुझे जज साहब के सामने ना पेश के बाद क्यों ले गए थे? क्या एनकाउंटर करना था? क्या क्या कारण क्या है? पूछना, हमें क्या मालूम कहाँ ले गए, कहीं अटैक तो नहीं? कहाँ ले गए थे? कहाँ ले गए? मुझे भी तो अटैक नहीं आ रहा था, ये पूछना जरूर और चलाना। मैं रात में बैरिक में पुलिस लाइन क्यों ले गए थे? पुलिस लाइन ले जाने की क्या वजह है? फिर हम तो न्यायपालिका में आए हैं, हम तो पुलिस कस्टडी में नहीं है। जी जी, हम न्यायपालिका में आइए, मुझे लगा एनकाउंटर करने ले गए थे। अरे तो क्यों ले गए थे पुलिस लाइन? 2 घंटे पुलिस लाइन में क्यों रखा? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं होती? आप ये पूछिए, 2 घंटे पुलिस लाइन, मुझे जज ने बुलाया था, मुझे जज साहब ने बुलाया था या पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था? शक है क्या आपको? बिल्कुल शक है, हो सकता मेरी भी खबर आए। इरफान सोलंकी पर 1-2 नहीं बल्कि 18 केस दर्ज है। इरफान सोलंकी पर ईडी का भी शिकंजा कस गया है। बेनामी संपत्ति मामले में ईडी इरफान सोलंकी के घर पर छापेमारी कर चुकी है। छापेमारी में ईडी को 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला था। 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। 150 से 200 करोड़ की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इरफान सोलंकी को राजनीति विरासत में मिली। पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे। इरफान सोलंकी 2007 में पहली बार कानपुर जिले में आर्य नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद साल 2012 में और साल 2017 की मोदी लहर में भी इरफान सोलंकी को कोई हरा नहीं पाया। 2022 में कानपुर के सीसा मऊ सीट से विधायक का चुनाव जीते। लेकिन अब इरफान सोलंकी की विधायकी भी खतरे में आ सकती है। कानपुर आगजनी मामले में अगर दोषी ठहराए गए और 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो फिर सीसा मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव तय मानी है।